आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल गोदारा जी, साली वाला से। और आपका नाम? धन सिंह जोड़ किया गांव से। अच्छा, तो इस मेले के बारे में आप क्या जानते हैं और आपका क्या संबंध है इस मेले से? इस मेले को स्टार्ट करने वाले हम ही हैं। अच्छा, कैसे आपने स्टार्ट किया था उसको? पहले हमारे पास में घोड़ियां थी जी। हाँ। ठीक है। धन सिंह जी हो गए, हम हो गए, पीर कामड़िया में एक दो गर्ज केवल सिंह वगैरह, बैनीवाल जी के पास में और चार साहब के पास में पहले नहीं थी। तब से हम इस मेले को और सत्यदेव जी के पास में थी। तो कितना साल हो गए इस मेले को? 14-15 साल हो गए। 14 लग रहा है। 14 लग रहा है। अच्छा, तो क्या विचार, क्यों आया आपके विचार दिमाग में इसको शुरू करने का, मेला स्टार्ट करने का? जी पहले इस एरिया में घोड़ियां बहुत थी जी, व्यापारियों के लिए भी, व्यापारी आए, जानवर अपना बाहर जाए, जानवर जो रख रहे हैं उनको अच्छे दाम मिले, अच्छे जानवर शो में आए, मेले में लगे तो रुझान बढ़े, इसलिए। मेला से हमारे से यहाँ मुक्तसर से 150 किलोमीटर पंजाब में वहाँ जाना पड़ता था। हरेक को गरीब आदमी जो पहुँच नहीं सकता था, इसलिए हमने सोचा भी हरेक के लिए यह सुविधा हो, ये सोच के हमने यहाँ स्टार्ट किया सबने मिलके, ये एरिया के मतलब जिला के जो जो घोड़ा पालक थे पुराने, जैसे सूर्यवाड़ा वाले, हम केवल जी पीर का मीडिया से, ये तो सत्यदेव जी, आपने ये स्टार्ट किया। तो ये जो स्टार्टिंग में कितने घोड़े आए थे जब पहली बार लगा था, कितने घोड़े आए थे? पहली बार में 200-250 घोड़े आए थे। अच्छा, और उसके बाद में बढ़ता गया। और पिछले साल कितने घोड़े आए? पिछली बार में 450 घोड़े थे। अच्छा, यार यहाँ पर बंदर वगैरह वो कुत्ते वगैरह भी आते हैं? वो तो जी 2 साल उसका टाइम था। अच्छा, 2 साल के लिए कुत्तों का, अब नहीं है जी। और कौन जानवर आते हैं यहाँ पर? और कोई जानवर नहीं आते, सब घोड़े ही आते हैं, सिर्फ घोड़े घोड़िया बस। घोड़े घोड़िया जी। पहले पहले तो हमने वो यहाँ पे शो के लिए भी किया था, फिर उसमें थोड़ा झगड़ा वगड़ा होना लगा। अब इस बार शो नहीं होगा? नहीं जी, नहीं आपका होगा, अब की बार होगा, पिछली बार नहीं था। पिछली बार नहीं था। अच्छा। उस शो में फिर इनाम देना पड़ता है, चंदा वंदा तो करके लगाते हैं वो हमारे पास, वो बहुत है। गवर्नमेंट का नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। गवर्नमेंट आप क्या, आप कुछ अपील कर रहे थे गवर्नमेंट से, बताइए हम इंटरव्यू डालेंगे, हो सकता कुछ कुछ खबर पहुंचे, सुविधा करे तो जी मेला और बढ़े। सुविधा आपको बताइए किस तरीके से, जैसे ये अपना ये मैदान था ना, ये मैदान तैयार करने के लिए अपना खुद का पैसा था, इसको हमने खुद की जेसीबी लगा के साफ करवाया। अगर नगर परिषद हमको सहायता दे, जेसीबी देता है, पहले देता था और अपने दमकल देता था पानी के छिड़काव के लिए, ऐसा करता था। और हम तो ये भी बोल रहे हैं सरकार ये मेला अपने कर ले, वो खुद लगावे, तो हमको साथ में जो हमसे चाहेगा हम करेंगे। सही बात है, तो सरकार हमें सहयोग दे तो ये मेला और बढ़े, और बढ़े, और यहाँ को और रुझान भी बढ़े, नई पीढ़ी है वो भी रखने लग जाए उनको ज्यादा। और क्या सुविधा चाहिए आपको? और क्या सुविधा चाहिए आपको? सुविधा कुछ नहीं मिलती, हम तो अपने सब। और क्या चाहिए आपको इसमें? चाहिए इसमें आओगे आप पंजाब, पंजाब की सड़कें तो या पंजाब के जो मंडी है उनमें अपने शेड बनाए हुए हैं पशुओं के रुकने के लिए, मतलब बरसात से या ठंड से गर्मी से पानी की सुविधा हो रुकने की। अब हमको तो अपने 70 रुपये ये करना पड़ता था, इसका किराया देते हैं हम तो, किराए पर लेके आते हैं। कितना किराया पड़ा था सर इनका? इसका ये इसका 4400 रुपये है लेट्स में, और छोटे वाले का? छोटे वाले का 1700 रुपये। 1700 रुपये। और उसके अलावा और क्या पैसा लगता है? हाँ जी, वो जो लाके लाएगा जहाँ घोड़े घोड़ी उसके लगेगा। नहीं, इसके अलावा टेंट के अलावा और क्या पैसा लगता है? और भी लगता है, खाने पाने का लगता है, लाने ले जाने का लगता है। नहीं, जो यहाँ पर, यहाँ पे और कुछ नहीं लगता, और नहीं कुछ नहीं लगता, और वह टैक्स वैक्स कुछ नहीं है। लाइटिंग का? लाइटिंग अंदर ही है इसके, वो इसके अंदर ही आ जाता है जी। अच्छा, उसके अंदर स्टोरी के अंदर ही आ जाता है। अच्छा, लाइट वगैरह पूरे मेले का फिक्स है। ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने मुलाकात की इन शख्स से जिन्होंने ये हनुमानगढ़ मेला में स्टार्ट करने में इनका इनके ये संस्थापक रहे हैं, और हम YouTube कमेटी जो है हमारे दर्शक, हम मौके पर मैं हूँ यहाँ। अच्छा, अध्यक्ष प्रधान हूँ। अच्छा अच्छा, तो हम शुभकामनाएं देते हैं और हम दुआ भी करते हैं कि आगे ये मेला निरंतर बढ़ता रहे आगे, और राजस्थान के लोग जो हैं यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा हैं, पंजाब के भी हैं, पंजाब के भी हैं, तीनों स्टेट से हरियाणा के भी, पंजाब राजस्थान तो आ ही रहे हैं। बिल्कुल, और भी हैं, गुजरात के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, व्यापारी है जो यूपी से आ रहा है ज़्यादा, वैसे गुजरात से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं। अभी हम मिल रहे हैं सत्यदेव जी, मिस्टर सत्यदेव जी से, जो यहाँ के बटनेर पशु मेला के जो हैं सेक्रेटरी, इस पहले हम अध्यक्ष जी से उनसे मिले थे।
सर आप बताएंगे टाइम टेबल जो है 1920 का क्या टाइम टेबल रहेगा? 1920 को प्रतियोगिता 1900 कौन सी होगी, 200 कौन सी होगी? 19 को अदंत बछेरा बछेरी नुकरा मारवाड़ी और 19 को खूबसूरती वाला होगा। हाँ 20 को भी खूबसूरती का ही होगा लेकिन हाँ। उसमें वो बड़े घोड़े और घोड़ियाँ वो 20 को करवाएंगे। अच्छा 19 को अदंत जो मतलब 0 से 2 साल तक के बच्चे बच्ची नुकरे मारवाड़ी और दो दांत बछेरा बछेरी नुकरे मारवाड़ी। फिर 4 दांत और 6 दांत हाँ फिर बड़े बड़े बीस को हाँ वो 20 को और 19 को और क्या होगा कुछ डांस वगैरह? 19 को हाँ एक प्रतियोगिता है देखते हैं अभी वो डिसाइड करते हैं अभी कौन सी करवाएं छोटी चाल की कराएं या बड़ी चाल। अच्छा पर होगी हाँ बिल्कुल एक करवाएं और डांस की भी होगी? डांस की 20 को करवाएं 20 को करवा दो। यस सर। ओके सर ये जो मेला है इसके बारे में कुछ और आप बात बताएं, हमने उनसे तो बात की साहब से इन दोनों से और कुछ की ये आगे आपको कितना आगे मतलब इसमें और कुछ पहलू भी आप जोड़ना चाहते हैं जैसे मुक्सर है पुष्कर है? हाँ मेले की शुरुआत का तो हमारा उद्देश्य यही था सबको कि भी नज़दीक में कोई घोड़ों का मेला या नहीं लगता इस टाइम में तो लोगों के पास छोटे बच्चे होते हैं कोई घोड़ी सही बात है बेचनी खरीदनी होती है तो वो यहाँ से उसको मिल जाता है। सबसे फ़ायदा इसमें गरीब लोगों को ज़्यादा होता है कि वो या नज़दीक में उनको किराया भाड़ा ज़्यादा नहीं पड़ता। सही बात है। वो व्यापारी लोग सब यहाँ आते हैं व्यापारी आ जाते हैं तो वो यहाँ से खरीद लेते हैं बेचना है तो किसी को बेच लेते हैं उनको ज़्यादा फायदा हो जाता है। दूसरी बात ये छोटी जो प्रतियोगिताएं करवाते हैं अब हम इनके जो मानक है वो जो नियम फॉलो करते हैं वो नेशनल लाइफ स्टॉक के करते हैं। अच्छा 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 तो इससे फ़ायदा ये एक रिहर्सल हो जाती है उनके लिए तो जब भी कहीं पंजाब में या जोधपुर शो होते हैं तो उनमें जो घोड़े लेके जाते हैं तो वो ये रिहर्सल रिहर्सल हो जाती है तैयार हो जाती है ये। तो जजेस कौन से आते हैं यहाँ पर? नेशनल लेवल के आते हैं? अपनी नेशनल लेवल के ही आते हैं। अभी पंजाब में जो शो हुआ था फरीदकोट उसमें जजिंग की थी वो कुछ जज आ रहे हैं। बीकानेर एनआरसी के साइंटिस्ट है वो भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ के वेटनरी डॉक्टर हैं वो भी है। सब मिल के इसमें कमेटी के तय करके अलग अलग डिवाइड करके वो रिंग करवाएंगे। विषय में हमारा यही है कि भी ये मेला और आगे बढ़े इसमें बढ़िया नस्ल की गायें भैंसें वो भी आना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऊँट भी आना शुरू हो जाए इसका टाइम भी बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल तो थोड़ी कोशिश जारी है हमारी। गवर्नमेंट से भी आप कुछ चाह रहे हैं? मतलब हम यही चाह रहे हैं कि ये पशु मेले में शामिल अगर इसको गवर्नमेंट कर ले तो और बढ़िया हो जाए प्रॉपर तरीके से लगे इसमें फिर प्रशासन जुड़ जाता है खुद। अब तो ये कमेटी सारा काम कर रही है बिल्कुल प्रशासन जुड़ जाता है तो फिर उसमें और फायदा हो जाता है और फायदा हो जाता है सुविधा कमेटी उसमें सहयोग दे देगी और प्रशासन मेला तो हम तो ये चाहते हैं भी लंबे टाइम तक चले और ज्यादा से ज्यादा व्यापक हो ज्यादा ज्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो और भविष्य में कोशिश करेंगे एंटरटेनमेंट के भी जैसे शहर में बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के जो फॉक कोई झूले हैं बिल्कुल घुड़सवारी है बिल्कुल वो भी इसमें ऐड करें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमारी कमेटी के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ नहीं कोशिश कर रहे हैं भविष्य में ऐसा हो। बिल्कुल हम तो शुभकामना देते हैं हमको यूट्यूब जो हमारे हॉर्स लवर्स हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये आपकी इच्छा के अनुरूप बहुत अच्छे स्तर पर जाए। थैंक यू थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।